हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी टिक्की। तो आज के दिन मैं प्रथमाष्टमी का शुभकामनाएं तहे दिल से आप सभी को देती हूं। तो आज के प्रथमाष्टमी के रिवाज के अनुसार जिनके घर में प्रथमाष्टमी है तो घर का बड़ा बेटा हो या बेटी हो उनको तिलक किया जाता है और घर में एक खास तरह का पकवान बनता है आज, हल्दी के पत्ते का पीठा। तो उड़ीसा में हमारा पीठा बोलते हैं, तो एक इडली बोल सकते हैं आप, स्टफिंग वाला इडली। लेकिन वो जो हल्दी के पत्ते का फ्लेवर है वो अलग ही है, ये साल में एक ही बार बनता है। तो वो मतलब पकवान सबसे पहले उनको खिलाया जाता है, बाकी बाद में बाकी सब खाते हैं। तो वही खास रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ प्रथमाष्टमी का, वो जो हल्दी वाला पीठा। तो चलिए फटाफट प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें उड़द के दाल को 8-10 घंटे पानी में डुबो के पूरा अच्छे से भिगो के छोड़ देना है। ये है, मैंने लिया है छिलके वाला अनपॉलिश्ड उड़द का दाल। तो देखिए ये काला काला दिख रहा है, हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। और मैंने इसको अच्छे से मतलब जितना जितना कम हो सके उतना छिलका निकाल दिया, और इसमें अभी भी है छिलका, हम छिलके के साथ ही इसे यूज़ करते हैं। तो देखिए जितना हो सका उतना निकाल दिया, बाकी इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में। जैसे आप इडली का बैटर बनाते हैं ना एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा। देखिए फिर भी मैं डिटेलिंग आपको बता दे रही हूँ, दिखा दे रही हूँ। और उसके साथ हमारा पेस्ट बन गया अभी, उसके साथ मैं ये इडली रवा मिला रही हूँ। चावल मैंने नहीं भिगाया था, तो इडली रवा, ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो इडली के लिए। तो ये मैं मिला रही हूँ। देखिए मैंने 1 किलो का उड़द का दाल भिगोया था, उसमें मैं 1.5 किलो ये इडली रवा मिला रही हूँ। मेजरमेंट मैं आपको बता दे रही हूँ, ये 1/2 किलो का पैकेट है। तो इस पैकेट का मैं 3 ठो पैकेट मिला रही हूँ, तो हो गया 1.5 किलो। तो देखिए ये मेरे से कुछ गलती हो गया जो कि मैं आपको मतलब क्लियरली बता दे रही हूँ। देखिए इसको एक्चुअली पानी के साथ हल्के हल्के भिगो के रखना था, हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके मिलाना था, अच्छे से मिल पाता। मैंने क्या किया, हड़बड़ी में एक साथ डाल दिया, तो इसको मिक्स करने में काफ़ी दिक्कत आया, गांठ पड़ गया। तो इसको मैंने क्या किया, और एक थोड़ा ट्रिक अपना लिया, तो और एक बार मैंने मिक्सी चला लिया। ठीक है, अभी मैं ये मिक्स कर रही हूँ, आगे का प्रोसेसिंग में मतलब मिक्स चलाना मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो देखिए ये मैं हाथ से अभी अच्छे से जितना भी अच्छे से मिला हूँ ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया। पानी डाल कर मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अंदाजे से सोडा भी मिला लिया, आप चाहो तो 1 बड़ा सा टेबल स्पून मेजरमेंट करके ले सकते हो उसमें भी। मैंने हाथ से ही ऐसे अंदाजे में ले लिया, 1 किलो का है तो उसी हिसाब से आपको मिलाना है। 1 किलो उड़द का दाल और 1.5 किलो मैंने रवा इडली मिलाया है, इडली रवा, तो उसी हिसाब से। झूठ क्यों बोलना, एक्चुअली मैं झूठ भी बोल सकती थी लेकिन नहीं, मैंने मिक्सी चलाया है और उसको रात भर के लिए ऐसे छोड़ देंगे। और सुबह का काम ये देखिए शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमने गुड़ डाल दिया, ये क्या बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं स्टफिंग। तो उसके अंदर मैंने जैसे कि बोली थी, आप स्टफिंग वाला इडली भी बोल सकते हैं, तो उसके अंदर हमें स्टफिंग भरना है नारियल का। तो गुड़ और नारियल को हमें अच्छे से फ्राई करना है, ये तरीका तो आप सभी जानते होंगे। तो देखिए आप अपने मीठा के हिसाब से आप गुड़ ले सकते हो, ज़्यादा या कम, हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं। नारियल से निकला हुआ पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए, उस तरह फ्राई कीजिए। हाँ, इलायची का पाउडर पिलाना मत भूलिए, 1 टीस्पून। ये देखिए ये पेस्ट सुबह काफ़ी फूल चुका है, काफ़ी ओवरफ्लो हो गया था, मैं इसको ठीक की हूँ। इसमें मिलाए हम सॉल्ट, उसके बाद देखिए ये हल्दी का पत्ता, इसको हम अच्छे से एक एक करके अच्छे से धोएंगे, आगे पीछे अच्छे से मसल कर धोना है। तो पता नहीं ये वीडियो क्यों ऐसा बन गया है, जैसे शॉर्ट्स बनाते हैं उस तरह का बन गया, लेकिन मैंने लॉन्ग वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग की थी, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। चलिए फिर भी मैं अच्छे से समझाती जा रही हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। अभी हमने गैस ऑन कर लिया है और गैस के ऊपर चढ़ा देंगे इडली स्टीमर। जैसे नॉर्मली हम इडली स्टीम करते हैं, पहले सबसे पहले गैस पे इडली स्टीमर चढ़ा के उसमें पानी डालना रहता है, तो उसी तरह का ही सेम प्रोसेस है।
पानी देके थोड़ा ढक देंगे, उसको अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद और कुछ प्रोसेसिंग है दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा वेटर और उसमें स्टफिंग ये सब तैयार है। तो अभी हमारा काम जो है हल्दी का पत्ता, उसको क्या करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए, एक पत्ता हमने ले लिया, उसको उसका जो पिछले वाला हिस्सा है उसको हम काट देंगे और हल्दी के पत्ते को बीच में से उसको दो भाग कर देंगे। मतलब इसमें हमारा पीठा जो है दो पीठा बनेगा। तो देखिए, उस हिसाब से आप बहुत बड़ा पत्ता है तो आप उसको तीन भाग कर सकते हैं, उसमें तीन पीठा बना सकते हैं। तो मैंने दो किया। अभी हमारा बॉयल हो गया है पानी। अभी क्या करेंगे, देखिए, जो उसका एक ही लेयर नीचे वाला लेयर वो हमने डाल दिया और बाकी वाला नहीं डलेगा। तो देखिए, अभी हमारा तैयारी शुरू करते हैं। वो पत्ते के ऊपर क्या करना है, हमने वेटर डाल दिया, लंबा करके थोड़ा डाल दिया। देखिए, मैं दिखाती हूँ, मैंने जैसे कि बोला रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये देखिए इस तरह का जो हम इडली स्टीमर में डालते हैं गोल करके ऐसे डालते हैं, इसमें थोड़ा लंबाई में डालना है, पत्ता है तो स्प्रेड हो जाएगा। और उसमें स्टफिंग बीच में ऐसे स्पून से आप दे सकते हैं, हाथ से दे सकते हैं, थोड़ा इधर उधर फैलने से कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आप डालिए थोड़ा लंबा करके और इसको फोल्ड कर देना है, बस यही तरीका है। और स्टीम करना है, बस उसके ऊपर रखना है धीरे से। देखिए, थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको मुझे और थोड़ा काटना पड़ा। तो इसी तरह आप धीरे धीरे करके हल्के हाथ से रखते जाइए। देखिए, ये और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरा वाला। तो इसी तरह हम डालते जाएंगे। उसके बाद और कुछ नहीं है, ढक्कन लगाना है और स्टीम करना है थोड़ा हाई फ्लेम में। 4 से 5 मिनट दीजिए, थोड़ा मीडियम आँच में, और अगर नहीं हुआ होगा और 3-4 मिनट तक आप स्टीम कर सकते हैं, उसके बाद निकल जाएगा हमारा। तो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए जो नए हैं, और जो पुराने दोस्त हैं उनको मेरा दिल से शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हाँ, देखिए, अभी हमारा ये स्टीम पे चढ़ गया। मैं हमेशा भूल जाती हूँ लास्ट में बोलने के लिए, इसीलिए बीच में बोल दी। ये देखिए, ये हमारा हल्दी वाला पीठा पूरा बनके तैयार है, अच्छी तरह से पक गया है। अभी हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और धीरे धीरे करके इसको निकाल लेंगे। ध्यान से निकालिएगा, ये जो बाँफ है बहुत ख़तरनाक है, हाथ में लग जाएगा तो जल जाएगा हाथ। ये तो हमारे साथ होता ही रहता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हमेशा होता होगा, सबके साथ होता होगा, तो फिर भी ध्यान देके करना सही है। ये स्टीम से बना हुआ पीठा है तो जाहिर है हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे आपका इडली बनता है ठीक उसी तरह ही बना है। इसमें कुछ अलग चीज़ भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि स्टफिंग, नारियल, गुड़ का मिठास भी आपको मिल जाएगा। और उसके साथ इसको यूनिक बनाता है हल्दी का पत्ता। हल्दी का पत्ता बॉयल होके उसके बाद जो फ्लेवर इसमें ऐड होता है वो काफ़ी अलग है। और ऐसे पत्ता निकाल के उसको मतलब प्रसाद चढ़ाया जाता है या फिर खाना रहता है। देखिए फ्रेंड्स, पत्ते के साथ नहीं खाना है, पत्ता निकाल के खाना है। तो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू सो मच, लव यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक